आजर प्रथम खबर माँ तारातारिणी पीठरे मुख्यमंत्री प्रतिष्ठा उत्सव मुख्य पुरोधा भाव चकतले दक्षिण ओडिशार प्रमुख शक्तिपीठ तथा गंजाम जिलार अधिष्ठात्री माँ तारातारिणी मंदिर में जीर्णोद्धार व नूतन प्रासाद प्रतिष्ठा महोत्सव गत 16 तारीख ठारु आरंभ हो जाए। यह महोत्सव 20 तारीख पर्यंत चलिबो। एही अवसर में माँ पीठ से पहुंची मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। यह भव्य मंदिर प्रतिष्ठा अवसर में मुख्यमंत्री सेठे पहुंचा पर हाथ जोड़ी माँ को प्रणाम करते मुख्य परथा भाव योगदान कर मंदिर प्रतिष्ठा उत्सव में योगदान सह मुख्यमंत्री तारातारिणी पीठ से विभिन्न उन्नयनमूलक प्रकल्प उद्घाटन कर राज्य सरकार पक्षर 117 कोटी अधिक टंका व्यय मंदिर पुनरुद्धार कार्य कर यज्ञ मंडप प्रशासनिक गृह मार्केट कम्प्लेक्स भगबंटन गृह और दीपघर आदि निर्माण करसह मंदिर सौंदर्यीकरण को वृद्धिपी वृक्षरोपण कर सूचना रही है। परवर्त खबर विद्युत काट समस्या रहा टाटा पावर राज्य में चलता खन खन विजुली काट अत्यधिक बिल आसपाई विधानसभा शक्ति संपर्कित स्टैंडिंग कमिटी उद्वेग प्रकाश पाई एने टाटा पावर पक्षर प्रतिक्रिया प्रकाश पाई कंपानी मुख्य कार्यनिर्वाही अधिकारी भास्कर सरकार कहते आमको मेन्टेनान्स काम करने को हे गत वर्ष आम कोविड और बात्या मेन्टेनान्स कर पार नु एमें मेन्टेनान्स करमी आग को बहुत भल भाव विजुली मिल से कम चली श्री सरकार कहते जब विजुली काट समस्या हेब ना मेन्टेनान्स कम केवल सका समय दिन समय कम केमी कम हे से नहीं आम चेष्टा करूँ विगत किसी वर्ष मध्य सिस्टम कौन से मेन्टेनान्स हो ना तेणु आमको सब करने को पड़े गत वर्ष 250 कोटी और चलित बर्ष 400 कोटी टकर नवेश अत्यधिक बिल आसुवानी अभोग आसुचे ता ठिक नुहे जहाँ नियम अच्छे से गोटे भी अधिक पैसा ने टाटा कंपानी विश्व एक विश्वसनीय कंपानी भाव जानते तेणु आम कौन बेनियम कम करना श्री सरकार कही। परवर्त खबर बीजेडी विधायकों लव स्टोरी ट्विस्ट हस्पिटाल माँ पुअर प्रेम संपर्क को नहीं खुशी नथिले माँ दीर्घदिन है उभय संपर्क को विरोध करुले दीर्घदिन हना पर तिर्तोल बीजेडी विधायक विजय शंकर दास और प्रेमिका विवाह करने को स्थिर कर गत काली सब रजिस्ट्रार अफिश्रे विधिवद्ध आवेदन कले पूर्व संध्यार अत्यधिक मेडिसिन डोज खाई गुरुतर हो पड़े माँ यह एक दुर्घटना ना आत्महत्या उद्यम ताकू जगत सिंहपुर जिला समेत समग्र राज्य में चर्चा जोर धरी दीर्घ दिन लुचकाली खेल पर तिर्तोल बीजेडी विधायक विजय शंकर दास निज प्रेमिका को विवाह करने निम्ते गत काली जगत सिंहपुर स्थित सब रजिस्ट्रार अफिश्रे विधिवद्ध आवेदन कर हेले पुओ कोर्ट मैरेज पर आवेदन करू करू आसी माँ का असुस्थता खबर समालिका सह पुओर बहुत नहीं राजी ना विधायक विजय शंकर दासों माँ का हठात असुस्थता को नहीं नाना चर्चा होपरिक से आत्महत्या उद्यम कर चर्चा जोर धरी मात्र यू कथ को खंडन कर विधायक विजय शंकर दास। परवर्त खबर कन्या खोली शंखा चूड़ी बर बेहोश बेदी में पशी पर कन्या मंत्र उच्चारण से फाटी पड़ुला चारिदिक हाथ में शंखा चूड़ी पिंधि ओढ़नी टाणी कन्या बेस पशि जुवती मथे सिंदूर दे पर हूहु प्रकम्पित होता सारा परेश नव दंपति को आशीर्वाद अछाड़ी संपर्क गुरुजन हेल्ले घटला अभावन कांड जहाँ को ना कहीं के देखते ना के कल्पना करते कि मुहूर्त पूर्वे सधपा होता कन्या छणक हठात खटाइले अभावन कांड बर सामने हाथ खोली चलिए शंखा चूड़ी एपरी देखि समस्ते ताजुब हो जाते एपरिक सद्य पर होता युवक जनक बेदी में ही बेहोश हो गले एपरी घटना बालेश्वर जिला पालिया पाल में घटी एक घटना प्राय 5 दिन तलर होता चना पड़ता बेले यार भिडियो एवं भाइराल होबार लगी। परवर्त खबर आज 14 जिला को येलो वार्निंग जारी आज मध्यान सुधा राज्यर मलकानगिरी कोरापुट रायगड़ा गजपति गंजाम कंधमाल कलाहांडी बौद्ध अनुगुल ढेंकानाल सुंदरगढ़ केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर जिलार गोटी किंवा दुईटी स्थान में काल बैशाखी जनित घूर्णिझड़ सह वज्रपात और वर्षा होबार संभावना रही है। यहाँ दृष्टि रखी भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर यह 14 जिला येलो वार्निंग जारी कर एवं वज्रपात समय लोकों खोला स्थान को बाहर को बारण कर समय मध्य राज्यर मलकानगिरी कोरापुट रायगड़ा कंधमाल मयूरभंज और केन्दुझर जिलार गोटी किंवा दुईटी स्थान में हालुकर मध्यम वर्षा किंवा वज्रपात होबार संभावना रही है। भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर जारी एक सतर्क सूचन कहुचे। परवर्त खबर इतिहास को सुरक्षित न रखिले परपीढ़ी क्षमा देवना पूरी एमारमठ परिसर में खनन बेले परित्यक्त अवस्था पड़ता फंगा सिंहमूर्ति को नहीं तेजुची राजनीति
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର। ଏନେଇ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ସତ କେବେ ଲୁଚି ରହେ ନାହିଁ, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଯଦି ଇତିହାସକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ନପାରିବା, ପରପିଢ଼ି ଆମକୁ କ୍ଷମା ଦେବ ନାହିଁ। ଭଙ୍ଗା ସିଂହ ସ୍ୱରୂପରେ ଯେଉଁ ଇତିହାସ ଆମ ଆଗକୁ ଆସିଛି, ତାହା ଆମ ଜାତିର ପ୍ରତୀକ, ଇତିହାସ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନ। ଏଥିସହ ଏଏସ୍ଆଇ ସତ୍ୟପାଠ ରିପୋର୍ଟ ଦର୍ଶାଇ ପୁଣିଥରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର। ଏନେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, ବିନା ଅନୁମତିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ କରିଡର କାମ ହେଉଥିବାରୁ ଏଏସ୍ଆଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିସାରିଛି। ଏଏସ୍ଆଇର ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପଦେଶକୁ ବେଖାତିର କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏପରିକି ବିନା ଅନୁମତିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାମ କରୁଥିବା ନେଇ ଏଏସ୍ଆଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ ସତ୍ୟପାଠ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାହାଜ ବିଧ୍ୱଂସୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ପରୀକ୍ଷଣ କଲା ଭାରତୀୟ ନୌସେନା। ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ବିକଶିତ ଜାହାଜ ବିଧ୍ୱଂସୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି ଭାରତୀୟ ନୌସେନା। ବାଲେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଇଣ୍ଟରିମ୍ ଟେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜରୁ କାଲି ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ସିକିଂ 42B ହେଲିକପ୍ଟରରୁ ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଓ ବିକାଶ ସଂଗଠନ ଅର୍ଥାତ୍ DRDO ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ବେଳେ ନୌସେନାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଓ DRDOର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। DRDO ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ଏହା ପ୍ରଥମ ଜାହାଜ ବିଧ୍ୱଂସୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର। ଚଳିତ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜାହାଜ ବିଧ୍ୱଂସୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ୟୁକ୍ରେନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଧରଣର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ରୁଷର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିମାନବାହୀ ଯୁଦ୍ଧପଥକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଭାରତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୀନ୍ର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ନିଜର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି। ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନୂଆ ନୂଆ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ଯୁଦ୍ଧ ଉପକରଣ ବିକଶିତ କରି ନୌସେନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 31 ବର୍ଷ ପରେ ମୁକୁଳିବେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀ। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ଅନ୍ୟତମ ଦୋଷୀ ଏଜି ପେରାରି ଫଲରଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କାଲି ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। 31 ବର୍ଷ ଧରି ସଜା କାଟିବା ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କାଲି ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତାମିଲନାଡ଼ୁ ସରକାରଙ୍କ ନିବେଦନ କ୍ରମେ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗତ March 9 ତାରିଖରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏଜି ପେରାରି ଫଲନଙ୍କ ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ତାମିଲନାଡ଼ୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ମାନିବା ଉଚିତ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ। ରାଜୀବଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ବେଳେ ପେରାରି ଫଲନଙ୍କୁ 19 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ରାଜୀବଙ୍କ ହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଅନ୍ୟତମ ଖଳନାୟକ ଥିଲେ ପେରାରି ଫଲନ। ସେହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପାଇଁ 2 9 ଭୋଲ୍ଟର ବ୍ୟାଟେରୀ କିଣିଥିଲେ। ଏହି ବ୍ୟାଟେରୀକୁ କାମରେ ଲଗାଇଥିଲେ ଶିବରାସନ। LTTର ସଦସ୍ୟ ଶିବରାସନ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲେ। ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଏହି ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା। 1998 ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିରୋଧୀ କୋର୍ଟରେ ପେରାରି ଫଲନ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ପରବର୍ଷ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତଳକୋର୍ଟର ରାୟକୁ କାଏମ ରଖିଥିଲେ। ତେବେ 2014ରେ ତାଙ୍କ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶକୁ କୋହଳ କରି ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୃତ ଝିଅର କିଡ୍ନୀ ଦାନ କଲେ ବାପା ମା, ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଲେ 2 ରୋଗୀ। ଅତି କଅଁଳ ବୟସରୁ ଆରପାରିକୁ ଝିଅ ଚାଲିଗଲା। ସେହି ଝିଅର ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ବାପା ମା ତାଙ୍କର 2 କିଡ୍ନୀ ଦାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମହତ ପଣିଆରେ ଏକ ନୂଆ ଫର୍ଦ୍ଦ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି 2 କିଡ୍ନୀ ବି ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କଠାରେ ପ୍ରତିରୋପଣ କରାଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାସୁଦେବ ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ସପନ କୁମାର ପିନ୍ଥାଣି ଓ ସୁନିତା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଝିଅ ହେଉଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧି ସମୃଦ୍ଧି। ଡିପଲ ସ୍କୁଲର 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେ। ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ପିନ୍ଧା ହେବା ସହ ପ୍ରବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥିଲା। ଚିକିତ୍ସା ପରେ ତାଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କାଲି ସକାଳୁ ସେ ଆଖି ପୁଚି ଦେଇଥିଲେ। ଉଭୟ ବାପା ଓ ମା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ସତ। ଏହି ସମୟରେ ଝିଅର କିଡ୍ନୀ ଦାନ କରିବାକୁ ଯେଉଁ କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ତାହା ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପେଙ୍ଗୋଙ୍ଗ ହ୍ରଦ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ଚୀନ। ବିବାଦୀୟ ପେଙ୍ଗୋଙ୍ଗ ହ୍ରଦରେ ଆଉ ଏକ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ଚୀନ। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୋଲଟି ପ୍ରଥମଟି ତୁଳନାରେ ବଡ଼ ଓ ଅଧିକ ମଜବୁତ। ଭାରି ଯୁଦ୍ଧଯାନ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଚୀନ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ପୋଲ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଓପନ୍ ସୋର୍ସ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାମିଏନ୍ ସାଇମନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଉପଗ୍ରହ ଚିତ୍ରର ଅନୁଶୀଳନୀରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ଚୀନ ପେଙ୍ଗୋଙ୍ଗ ହ୍ରଦ ନିକଟରେ ପୋଲ ଓ ନିଜର ସାମରିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ ଜାରି ରଖିଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୋଲଟି ପ୍ରଥମ ପୋଲ ସହ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ପୋଲଟି ପ୍ରଥମ ତୁଳନାରେ ବେଶ୍ ବଡ଼ ଓ ଅଧିକ ମଜବୁତ। ଏହି ପୋଲ ଦେଇ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଭାରି ଯୁଦ୍ଧଯାନ ପରିବହନ କରିବାକୁ ଚୀନ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ସହ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଏହି ପୋଲ ଚୀନ ସେନା ପାଇଁ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହଠାତ୍ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଲୁଣ କାରଖାନାର କାନ୍ଥ।
बुधवार दिन गुजरात मोरपीर हलभात्रे थिबा लुण कारखाना कांथ फुसुड़ीबा परे अतिकमरे 12 जन श्रमिकों मृत्यु घटिछे। एहास 20 जन आहत होइथिबा बेले 3 जन फंगा कांथ तले चापी होइ पड़िथिबा कुहा जाउछे। एहि घटना परे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्रमिकों मृत्यु कुनी समवेदना जणाइबा सह आहतंक परिवार को 2 लाख एवं मृतकों परिवार को 4 लाख टंकार क्षतिपूरण देबा को घोषणा करिछन्ते। मृतदेह बाहर करने भंगा कांथ तले फसरी लोकं उद्धार करने स्थानीय प्रशासन जेसीबी व्यवहार करथिला। अखा भितर लुण भर प्रक्रिया चलता बेले घटना घटिता जिलापा कहते हठात कांथ फुसुड़ी पड़पुर 20-30 जन श्रमिक कांथ तले चापी हो उद्धार कर बेलू से 12 जन मृत्यु हो सारी तेज सुरक्षित उद्धार कर 20 जन को चिकित्सापी डाक्तखाना भर्ती कर। परवर्ती खबर जामा मस्जिद तले हिंदू देवादेवी मूर्ति थिबा कहि जांच करिबा को दाबी। वाराणसी ज्ञानपापी मस्जिद रे शिवलिंग मिलिबा नै हिंदू पक्ष दाबी करिबा परे एबे उत्तेजना देखा दैछे। एने सुप्रीम कोर्ट रे रिपोर्ट दाखल हेबा बाकी थिबा बेले हिंदू महासभा दिल्लीर जामा मस्जिद रो जांच पई दाबी करिछे। जामा मस्जिद रो जांच पई हिंदू महासभा प्रधानमंत्री को एक चिठी लिखिछे। ए चिठी रे दाबी करा जाइछे जे जामा मस्जिद रो सीढ़ी तले हिंदू देवी देवतांक मूर्ति रहिछे। हिंदू महासभा अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को एक चिठी लिखि तांकु जामा मस्जिद उपर सर्वे करबा को अनुरोध करिछन्ते। से कहते जे मस्जिद पहाच तले हिंदू देवता मान मूर्ति अच्छे तेणु यह खोली मूर्ति बाहर कर जरूरी। वाराणसी ज्ञानपापी मस्जिद एक शिवलिंग मिलवा दाबी कराता बेले हिंदू महासभा एभली दाबी करिछे। परवर्ती खबर दलर समस्त पदवीर इस्तफा दे हार्दिक पटेल। समस्त कल्पना चल्पनार अवस्थान घटाई आज गुजरात कांग्रेस कार्यनिर्वाही सभापति हार्दिक पटेल दलर समस्त पदवीर इस्तफा देखा कथा ट्वीट कर सूचना देते से लिखिंट आज मु दृढ़ आत्मविश्वास सहित पदर अर्थात गुजरात कांग्रेस कमिटर कार्यनिर्वाही सभापति और कांग्रेस पार्टी मौलिक सदस्य पदर इस्तफा दे मो सिद्धांत को मोर समस्त सहयोगी और गुजरातवासी ग्रहण करेंगे बोली मु सुनिश्चित मोर मन हुए। एभली पदक्षेप ग्रहण कर भविष्य में मो गुजरात प्रकृत कार्य करें। राज्य में अल्प कत मस पर विधानसभा निर्वाचन थी हार्दिक पटेल इस्तफा कांग्रेस प्रति निश्चय गोटाए शक्त आघात। वरिष्ठ गुजरात कांग्रेस नेता मैंने उपेक्षा कले विभिन्न सूत्र खबर मिलू। परवर्त खबर शिरडी साईबाबा मंदिर को 2 कोटी टंका मूल्य सुना ब्यांड दान। हैदराबाद जड़े भक्त महाराष्ट्र शिरडी सहर प्रसिद्ध साईबाबा मंदिर को 2 कोटी टंकार सुनार निर्मित एक ब्यांड दान कर मंदिर ट्रस्ट कर्तृपक्ष। मंदिर ट्रस्टर सीईओ भाग्यश्री बनायत कहते जे हैदराबाद भक्त पार्थसारथी रेड्डी 2016 साईबाबा मूर्ति सिंहासन पर सुना ब्यांड दान करने को चाहूल किंतु सेतेबेले आवश्यक प्रक्रिया शेष हो पार नथिला एवं परे COVID-19 महामारी हेतु प्रक्रिया विलंब होता। से कहते से वर्तमान श्री साईबाबा सिंहासन पर 2 कोटी टंका मूल्य 4 किलोग्राम रु अधिक ओजन सुनार निर्मित सुना ब्यांड दान कर। से कहते जे यहाँ पूर्व 2007 हैदराबाद अन्य जड़े भक्त मंदिर ट्रस्ट को 94 किलोग्राम ओजन विशिष्ट सुनार एक सिंहासन दान करते।